हरे कृष्ण। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी को चरण कमल में आनंद कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिप्राज का आचार्य चतुर्दंड स्वामी श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में मेरा जत्था योग्य प्रणाम स्वीकार। अभी अभी प्रभु जी को मुखारविंद से भगवत नाम की महिमा को हम लोग ने श्रवण किया है। भगवत नाम की अनंत महिमा है। जैसे भगवान अनंत है, उनका लीला भी अनंत है और उनका नाम की महिमा भी अनंत है। इसलिए श्री तुलसीदास जी रामायण में बताया कहते भगवत नाम की इतना महिमा है, कहते राम भी अपना नाम की महिमा को बता नहीं पाते। कहते कृष्ण नाम की इतना महिमा है, बोले कृष्ण स्वयं भी अपना नाम की महिमा को बता नहीं पाते और अपना नाम की महिमा को नहीं जानते। भगवान आए, आकर के कितने जीवों को उन्होंने उद्धार किया है, लेकिन भगवान जो अपना नाम को छोड़ करके गए, अभी जो प्रभु के नाम की सहारा ले रहे हैं, वो सब के सब ये भवसागर से पार हो रहे हैं। इसलिए भगवान राम जिस समय पुल बांध रहे थे, रामचंद्र बैठ बैठ करके देख रहे थे जितने सारे बंदर बड़े से बड़े पत्थर लाते हैं और श्री हनुमान जी उसको ऊपर में श्री राम को लिख करके पानी में छोड़ रहे हैं और वो पत्थर पानी के ऊपर में तैर रहा था। रामचंद्र को बड़ा आश्चर्य लगा, कहते वाह मेरे नाम में इतने महिमा, मेरे नाम को पत्थर के ऊपर में लिख कर छोड़ देते हो तो पानी के ऊपर में तैर रहा है। मैं एक पत्थर को उठा करके फेंक करके देखता हूँ ये डूबता है कि तैरता है। रामचंद्र ने देखा अगर सभी को सामने मैं कोई पत्थर उठाऊं और फेंकू और ये डूब जाए नहीं तैर करके अगर डूब जाए सभी को सामने बड़ी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए रामचंद्र ने सोचा एक गुप्त स्थान में जा करके मैं एक पत्थर उठा करके फेंकता हूँ, देखता हूँ ये डूबता ना तैरता है। इतने में रामचंद्र एक गुप्त स्थान में गए और एक पत्थर उठा करके उन्होंने फेंका, देखा वो पत्थर डूब गया। उन्होंने और एक पत्थर उठाया उसको भी फेंका, देखा वो भी डूब गया। रामचंद्र बड़े आश्चर्य हुए, कहते ये क्या हो रहा है, मेरे नाम को लिख करके पानी में हाँ छोड़ रहे तो ये तैर रहा है, मैं स्वयं ये पत्थर उठाकर फेंकता हूँ ये डूबते जा रहा है, इसका मतलब क्या है। इतने में हनुमान जी राम को विरह में रह नहीं सकते। हनुमान जी ने देखा मेरे प्रभु कहाँ गए, प्रभु जी कहाँ गए। इतने में हनुमान ढूंढते ढूंढते आ करके देखा प्रभु पत्थर उठा उठा करके पानी में फेंक रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा ये कौन सी प्रभु की लीला है, ये कोई नई लीला है जो पत्थर उठा उठा करके प्रभु पानी में फेंक रहे हैं। इतने में हनुमान जी आकर बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये पत्थर उठा उठा करके क्यों फेंक रहे हो। कहते हनुमान तू कहां से आ गया पीछे से। कहते प्रभु आपका विरह में तो रह नहीं सकता, प्रभु ये बताइए ये पत्थर को उठा उठा कर क्यों फेंक रहे थे। बोले हनुमान मेरे मन में बड़ी एक शंका आ गई है। बोले प्रभु आपका मन में शंका। बोले हाँ हनुमान। बोले क्या शंका है। कहते हनुमान ये बताओ तुम लोग मेरे नाम को पत्थर को ऊपर में लिख करके जो पानी में फेंकते हो वो पत्थर तैरता है, मैं स्वयं पत्थर उठा करके फेंकता हूँ और ये डूबते जा रहा है। हनुमान मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लीला है। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये तो सीधी सी बात है। सीधी सी बात मतलब
कहते प्रभु वो पत्थर जो तैर रहा है क्यों तैरता है? चूंकि वो पत्थर के ऊपर में आपका नाम लिखा हुआ है, आपकी नाम की सहारा से वो तैर रहा है। अगर आप स्वयं किसी को उठाओ और फेंको, फेंकना मतलब क्या है, आप उसको त्याग दे दिया। प्रभु ये बताओ, आप अगर किसको उठा करके स्वयं त्याग दे देते हो, वो कैसे तैरेगा? तो डूब ही जाएगा, मतलब डूब ही जाएगा। बोले हनुमान में तो यही सोच रहा था, ये क्यों डूबते जा रहा है? देखो भगवत नाम की कितना महत्व है, हाँ कितने महत्व है। नाम को लिख कर छोड़ दो तो वो तैरता है। स्वयं राम को जब लंका में जाने के लिए पड़ा, प्रभु ने क्या किया? प्रभु को पुल बांधने का जरूरत पड़ा, लेकिन हनुमान को पुल बांधने का जरूरत पड़ा नहीं। उन्होंने जय श्री राम बोले और समुद्र को लंग गए। हाँ, इसलिए भगवत नाम की बड़ी महिमा है। हरि से बड़ा हरि का नाम, इसलिए हरि से बढ़ कर के उनका नाम है। इसलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ में हर जगह में ये नाम की महिमा बताया गया है। कर ये भगवान कपिल देव अपना माता को भी नाम की महिमा उन्होंने बताए। कहते मैया कद आहो बत सपचो अत गरियान जत जिहाग्र वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्ते स्तपे जुहु सस्न राजा ब्रह्मा चुर नाम गृणीते जेते। ये भगवान माता देहूति को बता रहे हैं, मैया अहो बत सपोच अत गरियान, अगर कोई चंडाल हो, कोई कुत्ते को खाने वाले हो, एकदम निकृष्ट से निकृष्ट जाति क्यों नहीं हो, अगर कोई भगवान का नाम ग्रहण करता है, कद हम उसका महिमा हम क्या बताएं? हाँ, कद जिह्वाग्रे, जिह्वाग्र मतलब संपूर्ण जिह्वा में नहीं, जिह्वा कर अग्रभाग में अगर थोड़ी सी प्रभु का नाम उच्चारण हो जाए तो तब क्या समझो। तब यहाँ पर उन्होंने चार उन्होंने उदाहरण दिए। तब उन्होंने चार उदाहरण दे करके ये जो शब्द प्रयोग किया, कहते ये अतीत शब्द प्रयोग किया। अतीत मतलब होता है उन्होंने पहले सब कुछ कर चुके। बोले क्या कर चुके? कहते तपह तेपु, कहते समझो जिसको जुहा पर प्रभु का नाम उच्चारण हो रहे हैं वो कितने सौभाग्यवान है। कहते समझो पहले जन्म में उतने उसने सारे तपस्या कर चुका है, तभी इसी जीवन में उसका जिह्वा में प्रभु का नाम उच्चारण हो रहे हैं। दूसरा बताए कहते जुहुहु, जुहुहु मतलब पूर्व जन्म में उसने सारे यज्ञ कर चुका है, तब इसी जीवन में उसका जिह्वा में भगवत नाम उच्चारण हो रहा है। और कहते ससनो, ससनो मतलब पर पहले जन्म में उसने सारे तीर्थ में स्नान कर चुका है, तभी इसी जीवन में उसको जिह्वा पर प्रभु का नाम उच्चारण हो रहे हैं। कहते आर्या, कहते आर्या मतलब होता है जितने सारे सदाचार है सारे सदाचार को उसने पालन कर चुका है, तब इसी जीवन में उसका जिह्वा में भगवत नाम कीर्तन होता है। इसलिए कृष्णा अर्जुन को कहते हैं, कहते हैं अर्जुन जनय पूर्व सत जन्म वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामानी सदा तिष्ठति भारत। कहते हैं अर्जुन किसका जुहा पर प्रभु का नाम निरंतर उच्चारण होता है? समझो पहले जीवन में जो स जन्म तक जिसने बड़ी निष्ठा पूर्वक ठाकुर जी की सेवा पूजा की है, समझो इसी जीवन में इसका जिह्वा में भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। इसलिए जो लोग भगवत नाम उच्चारण करते हैं, समझो वो बड़े सौभाग्यवान हैं। साधारण भाग्य से ये जिह्वा में प्रभु का कीर्तन नहीं होता है। इसलिए बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत का षष्ठ स्कंध में
हम कल भी श्रवण कर रहे थे कि जो षष्ठक कंठ है कद भागवत का 10 लक्षण बताया, कद 10 लक्षण में उसका एक लक्षण है पोषण। पोषण मतलब होता है पोषण, तो पोषण है समझते ना, पोषण जैसे भरण पोषण कर लिया। इसलिए भगवान कैसे नाम को द्वारा अपना भक्तों को कैसे पोषण करते हैं, हाँ कैसे पोषण करते हैं। आप बोलोगे नाम से थोड़ी पोषण होता है, अगर खाना पीना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। पोषण तो खाने पीने से होते हैं, खाने पीने से पोषण होता है। कहते हैं जब अभी तो हम अनर्थ ग्रस्त है, जब नाम करते करते जब हमारे सारे अनर्थ से मुक्त हो जाए, सारे अपराध दूर हो जाए, जब रुचि निष्ठा आसक्ति प्रेम प्रकट हो, उसी समय अगर हरिनाम करोगे हमको इस जगत का खाने पीने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए माधवेंद्रपुरी उनका वृत्ति था अयाचक वृत्ति, मतलब वो किसी से कुछ नहीं मांगते थे। अगर अनायास में अपनी आप अगर कुछ दे दिया किसी ने तो उसको खा लेते थे। तो वहां पर प्रश्न करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जब कुछ मिलता नहीं फिर खाते थे क्या? तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जब कुछ नहीं मिलता था, जब वो हरे कृष्ण नाम उच्चारण करते थे, कहते नाम से स्वयं रस मिलता था। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा नाम सुधा रस करिया पान, जुड़ाव भक्ति विनोद प्राण। इसलिए जो नाम है ये सुधा है, ये रस है, इसलिए नामामृत है। लेकिन अभी हम अनर्थ युक्त, इसलिए हमको नाम लेने में कष्ट लगता है। इसलिए नाम लेने में भले ही हम इधर उधर समय बिता देंगे लेकिन हम नाम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम अनर्थ ग्रस्त, इसलिए हमें अभी नाम अच्छा नहीं लगता है। लेकिन श्री रूप गोस्वामी कहते हैं स्याद कृष्ण नाम चरित सीताप अविद्या रसना सुनर रुचितानु किंतु तद आधरात अनुदिनम। तो रूप गोस्वामी कहते हैं जैसे मिश्री मीठा है, लेकिन मिश्री तो मीठा है लेकिन किसी को कड़ुआ भी लगता है, मतलब किसको कड़ुआ लगता है, मतलब जिसको जंडिस का बीमार हो जाए, हाँ जिस पीलिया हो जाए रो, कहते उसको मिश्री भी उसको कड़ुआ लगता है। इसलिए पहले डॉक्टर लोग अगर जिसको पीलिया रोग हो जाता था उसको बोलते थे तुम मिश्री चूसा करो, लेकिन मिश्री तुमको कड़ुआ लगेगा मीठा नहीं लगेगा क्योंकि तुमको बीमारी है। लेकिन मिश्री कड़ुआ लगेगा इसलिए छोड़ना नहीं, मिश्री कड़ुआ नहीं मिश्री तो मीठा है, इसलिए कड़ुआ लगने पर भी ये मिश्री को तुम चूसते रहना, हाँ ये मिश्री को चूसते रहना, चूसते चूसते जब ये कड़ुआ पण खत्म हो जाएगा फिर मिश्री इतने मीठा लगेगा फिर छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं पहले जो नाम हमें अच्छा नहीं लगेगा नाम लेने पर, नाम लेने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं नहीं जोर जबरदस्ती नाम करो, अच्छा नहीं लगने पर भी नाम जरूर किया करो। कहते नाम करते 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 जब ये अनर्थ दूर हो जाएगा, जब चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय दिश कृष्ण संकीर्तन। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम के उन्होंने 8 स्टेज एक श्लोक में बताए, साधन धीरे 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 कैसे यही नाम करते करते ये हृदय रूपी दर्पण कैसे परिमार्जन हो जाएगा, संसार का सारे दुख दूर हो जाएगा, हृदय खिल जाएगा, हाँ प्रतिपद पद में नए नए आनंद की अनुभूति होगी और एक दिन संपूर्ण रस समुद्र में डूब जाएंगे। इसलिए नाम सर्वप्रथम इसी कीर्तन को श्री भक्ति विनोद ठाकुर सुंदर उसका कीर्तन में ट्रांसलेशन किया है। वो कहते हैं अनुदिन जेन तब नाम गाय क्रमते कृपाय तब अपराध जाबे नामे रुचि हबे आस्वादिव नाम सब। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं धीरे धीरे अच्छा नहीं लगने पर भी धीरे धीरे लेते रहो, हाँ धीरे धीरे लेते रहो, लेते लेते एक दिन ऐसे हो जाएगा
जीवा में प्रभु ऐसे प्रकट हो जाएंगे नाम रूप में, जैसे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, तुंडे तानम हृदय वितनुते तुंडा वल्लभय कर्ण क्रड़ो कड़मिनि घटयते कर्णा बुदेवस्प्रिया चेत प्रांगण संगिनि रचयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जानि जनिता किम अद्भुत कृष्णेति वर्णते। रूप गोस्वामी कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, ये जो कृष्णा जो दो अक्षर है इसमें कितने आनंद है, उसमें कितने मधु है, उसमें कितना रस भर दिया। हाँ, कहते हैं प्रभु, जब ये नाम जीवा पर उदय होता है, जीवा ऐसे नाचने लगती है, जीवा बंद होना नहीं चाहती। उसी समय साधक ब्रह्मा को निंदा करता है, कहते ब्रह्मा का सृष्टि करना जानता ही नहीं, इतना सुंदर भगवान का नाम मीठा और ये नाम को करने के लिए केवल एक जीवा दे दिया। कहते अगर करोड़ों करोड़ों अगर जीवा दे देते तब प्रभु का नाम लेकर के आनंद मिलता। जब कान में प्रवेश करता है, कहते कर्ण करोड़ों कड़म नि घटयते कर्णा बुधेव स्प्रिया, कहते मेरे को करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दे दिया, केवल दो ही कान क्यों दिया प्रभु का नाम करने के लिए। जब हृदय में प्रवेश करता है, हृदय में प्रवेश करते हुए लगता है रस की बारिश हो रही है, रस की धारा बह रही है इंद्रिय में। हाँ, सारे इंद्रियों को एकदम दिव्य आनंद रस में ये नाम भर देता है, इतने मीठा ये नाम में। इसलिए सर्वप्रथम नाम अच्छा नहीं लगने पर भी हमें नाम करनी चाहिए। इसलिए माधवेंद्रपुरी 24 घंटा हाँ, रात में नहीं सोते थे, दिन में नहीं सोते थे, 24 घंटा वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 24 घंटा वो नाम करते थे। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कति जो षष्ठ स्कंध है ये श्रीमद् भागवत का, कति ये पोषण है, मतलब भगवान अपना भक्तों को ये नाम रस को द्वारा पोषण करते हैं। कहते ये नाम में इतने शक्ति है, नाम में कहते एक भक्तों को तो पोषण करते ही है लेकिन एक अपराधी को भी पोषण करते हैं भगवत नाम। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि जितने सारे अपराध हमें वैष्णव अपराध को सबसे खतरा बताया गया, सबसे खतरा वैष्णव अपराध है। ये वैष्णव अपराध नष्ट होना बहुत कठिन है। अगर किसी महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहा, हे रूप, गुरुदेव तो हृदय में भक्ति लता रूपी बीज को बो देते हैं और वो श्रवण कीर्तन रूपी जल को सेचन करने पर धीरे 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 वो लता बढ़ती है, लेकिन अगर बीच में अगर वैष्णव अपराध अगर हो गया तो कभी ये वैष्णव अपराध एक मतवाला हाथी जैसे एक बगीचा में प्रवेश करके सारे लता पताओं को उखाड़ देता है जड़ समेत, क्योंकि वैष्णव अपराध भी ठीक वैसे ही है। हाँ, इसलिए वैष्णव अपराध का प्रति सावधानी रहनी चाहिए। कहते अगर वैष्णव अपराध हो गया तो फिर क्या करें, क्या करें? कहते अगर पता चले इसी वैष्णव चरण में हमारा अपराध हो गया, उनके चरण में जाकर के हमें माफी मांगनी चाहिए। कहते अगर वो माफ नहीं करे तो, कहते उसको सामने रो रो कर उनको चरण पकड़नी चाहिए। अगर वो हमारा सचमुच से वो देखे हम उनको चरण में अपराध करके हमारा हृदय से दुखी, वो चीज को वो अनुभूति करे, जब वो चीज को अनुभूति करे कि वास्तव रूप में उसने जो मेरे चरण में अपराध किए उसी के लिए वो पश्चाताप कर रहा है, ये दुखी हो रहा है, जब उनका हृदय द्रवीभूत हो फिर तक ये वैष्णव अपराध समाप्त होता है। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अगर किसी वैष्णव चरण में अपराध हमारा हो गया लेकिन वो चले गए, शरीर छोड़कर चले गए, उनको चरण में हम माफी मांग नहीं पाए, फिर क्या करनी चाहिए, फिर क्या करनी चाहिए अगर चले गए तो? तब उन्होंने बताया वो वैष्णव का नाम को ले लेकर के, क्योंकि वैष्णव सत्य है, वो नित्य है, वो कहीं नहीं गए, इसलिए उनका नाम को ले लेकर के रो रो करके
ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहते जो वैष्णव अपराध माफ नहीं होता है केवल उनके चरण में माफी मांगने पर होता है। अगर कोई रो रो करके ये हरि नाम को अगर कोई ग्रहण करे तो उसका अपराध नष्ट हो जाता है। इसलिए हरि नाम वैष्णव अपराध गुरु अवज्ञा जितने सारे अपराध को ये हरि नाम ये नष्ट कर देता है, सारे को सारे नष्ट कर देता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में षष्ठ स्कंध में बताया भगवान का जो नाम है भक्तों को भी पोषण करता है, प्रभु का नाम एक अपराधी को भी पोषण करता है, सभी को ये नाम पोषण करता है। तब अभी इसी कथा में तो उन्होंने अजामिल की कथा को यहाँ पर बताया, अजामिल का जीवन यहाँ पर बताए। हम थोड़ी सी अजामिल का कथा सुन लेते हैं, उनका जीवन में नाम की महिमा कैसे उन्हें बताया गया। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, कहते हे सुखदेव गोस्वामी आप कृपा करके बताइए जीव ये जो घोर नरक है उन्होंने इसको पहले सुखदेव गोस्वामी उन नरक को उन्होंने वर्णन की और इतने नरक की घोर यंत्रणा उन्होंने बताए, लोग कैसे 84 नरक में कैसे दुख कष्ट भोग करते हैं, कहते जो मांस खाते हैं उनको कैसे जैसे जिंदा नरक में काटते हैं ना, जो मांस खाने वालों को कैसे जिंदा जिंदा नरक में काटते हैं, एकदम जिंदा जिंदा उसको काटते हैं, जैसे एक जानवर को कढ़ा में छोंक देते हैं, हाँ कहते उसी तरह जो मांस मछली खाए उनको भी एकदम क्या एकदम उखलते हुए तेल में उबलते हुए तेल में उसको जिंदा जिंदा छोड़ देते हैं, जैसे पपड़ा भाज पपड़ा जैसे भाजते है ना, ऐसे पपड़ा जैसे उसको भाज देते हैं। हाँ इसलिए जो शराब पिए हैं उसको कैसे गर्म लोहे पिघाल करके उसको मुंह में डालते हैं। हाँ इसलिए वहां पर एक एक 84 नरक की इतना घोर वर्णना आप सुनेंगे तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जीव कैसे अपना कर्म के फल कैसे भोग करता है, कद ये बात को सुन सुन करके परीक्षित महाशय डर गए, कद हे भगवान इतना कष्ट उठाना पड़ता है। तब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, कद हे सुखदेव गोस्वामी आप कृपा करके बताइए जीव ये नरक से कैसे उद्धार होगा। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा देखो अगर हमें पता चले हमने ये पाप कर चुके हैं उसके लिए अगर वो प्रायश्चित अगर कर ले, प्रायश्चित अगर शास्त्र ने बताया ऐसे अपराध कर तो अगर ये कर्म करोगे तुम ये अपराध से मुक्त हो जाओगे, इसलिए छोटा बड़ा प्रायश्चित जान करके उसको प्रायश्चित अगर कर ले कभी ये अपराध से ये मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन इसको सुन करके परीक्षित महाराज को इसका जवाब सही सही नहीं लगा, मतलब जो उत्तर था उसको जवाब उनको जो उत्तर उनको देखा ये सही सही रास्ता नहीं, कहते क्यों कारण किया। तो कहली जो प्रायश्चित कहते ये कुंजर शौचवत का मतलब होता है एक हाथी को आप तालाब में उतार करके अच्छे तरह से स्नान करा, लेकिन हाथी का स्वभाव है जब फिर वो पानी से वो ऊपर उठेगा वो पहले धूल ढूंढता है, अगर धूल नहीं मिलेगा ना वो अपना प्यार से रोंग करके धूल बनाएगा, फिर सारे धूल को लेकर फर करके सारा शरीर में लगाएगा। कहते ये हाथी का स्वभाव है, कहते ये जो आपने जो बताया ये पाप करके ये प्रायश्चित कर ये पाप से मुक्त हो जाएगा, लेकिन फिर तो पाप करेगा वो, फिर कल जाकर वही पाप करेगा। हमारा देश में कुछ लोग व्रत करते हैं जो कार्तिक महीना में साधारण लोग एक महीना व्रत करते हैं कोई मांस मछली नहीं खाएंगे, जब एक महीना के बाद में जब आएंगे ना तो एक महीना से मांस मछली नहीं आएगा, आज अच्छे तरह से मांस मछली अच्छे अच्छे मांस और अच्छे से मछली को लाओ खूब भोजन करेंगे क्योंकि एक महीना से हमने खाए नहीं एक महीना तो उन्होंने व्रत किया है, फिर एक महीना के बाद खूब पेट भर करेंगे खूब अच्छे तरह से खाते हैं। कहते उसी तरह ये जो प्रायश्चित ठीक वैसे ही है, इसलिए ये चीज उनको अच्छा नहीं। कल आपको दूसरा उदाहरण दो, तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा देखो
अगर कोई ब्रह्मचर्य को पालन करे, ब्रह्मचर्य पालन करे, अपना इंद्रियों को दमन करे, सच बोले, दान पुण्य करे, अच्छे अच्छे, जैसे हमको कोई बीमारी हो गया, बीमारी होने पर जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन अगर खाए जैसे वो बीमार नहीं होते हैं, उसी तरह वे बार व्रत तपस्या एक सब करेगा तो फिर तो ये सारे पाप से मुक्त हो जाएगा। तब उन्होंने बोले आपका ये उदाहरण अभी मुझे सही सही नहीं लगा, ये उदाहरण मुझे सही सही नहीं लगा। बोले क्यों? तब उन्होंने बोले ये जो उदाहरण है मतलब होता है जो बांस का जो जंगल, जो किसान होते हैं गर्मी का समय बांस का जंगल को काट देते हैं और वहां पर जितना पड़ा हुआ होते हैं भूस उसका पत्ते पत्ते उसमें आग लगा देते हैं, आग लगाने पर वो जल करके राख हो जाता है, ऊपर से दिखता है तो जल करके राख हो गया। लेकिन जब फिर श्रावण का महीना आए, जब फिर दो बार बारिश ही होता है, जितना जंगल था ना वो बांस का पेड़ से और ज्यादा करके निकलता है और ज्यादा जंगल होकर निकलता है। कहते ठीक उसी तरह आपने जो बोला ब्रह्मचर्य दान पुण्य इंद्रिय दमन, कहते ये ठीक वैसे ही है, वो ऊपर से लगता है जैसे हमारा सब कुछ हो गया, लेकिन जो अंदर में जो कामना आए हैं वो खत्म नहीं होता है, वो अंदर के सारी कामना के कामना रहता है। फिर उसका दूसरे संग मिला ना, असत संग मिले, फिर दोबारा वही काम करना शुरू कर देते। कहते आपका ये उदाहरण में मुझे सही नहीं लगा, ऐसे कोई उदाहरण बताओ, ऐसे कोई बात बताओ जो कि संपूर्ण ये पाप का जो जड़ है, जो वीक है, ये संपूर्ण खत्म हो जाए, ऐसे कोई उपाय है, ये उपाय बताओ। तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा हाँ ऐसे एक उपाय, बोले बताओ वो कौन सा उपाय। तो उन्होंने बताए, बोले केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अग्नम धुन्नति कार्ष्णेन निहारमिव भास्कर। ऐसे जो उपाय है, कहते केचित केवलया भक्त्या, केवल भगवान की जो भक्ति है, हाँ जो शुद्ध भक्ति जिसको रूप गोस्वामी ने कहा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। हाँ जो जो काम करने पर कृष्ण को अच्छा लगे, ज्ञान कर्म से अलग हो, जिसमें किसी तरह का अभिलाष नहीं रहे, केवल भगवत प्रीति के लिए किया जाए, ऐसे जो एकांत की जो भक्ति है, अगर कोई भगवत भक्ति करता है, कहते भगवत भक्ति के द्वारा ही ये जो पाप जो वासना हृदय में तभी ये जाकर खत्म होता है, नहीं तो ये पाप की वासना कभी खत्म नहीं होता है। केवल भगवान का भक्ति और प्रभु का नाम, ये जो भगवत भक्ति, ये नाम युक्त जो भगवत भक्ति, इसको द्वारा ही जीव का परम कल्याण होता है, नहीं तो जीव का परम कल्याण होना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान उद्धव को भगवान कृष्ण ने बताया, कहते हे उद्धव मेरी जो भक्ति है, कहते मत भक्ति दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जात कल्मषम, मेरी जो भक्ति है ये संपूर्ण उसका दुर्जात को नष्ट कर देता है, मेरी भक्ति एक अग्नि सदृश है। तो उन्हें उदाहरण दिया, कल हम श्रवण कर रहे थे, जैसे सूरज उदय होने पर, सूरज उदय होने पर सूरज उसका किरण और उसका रश्मि और किरण है। कहते अगर जो कोहरा होता है, कोहरा जानते हो ना, कोहरा, कहते कोहरा को नष्ट करने के लिए सूर्य की जरूरत नहीं, कहते उसको किरण की जरूरत नहीं, केवल उसको रश्मि से ही सारे कोहरा नष्ट हो जाता है। देखो जब सूरज उदय होने वाले, अभी सूरज उदय हुए नहीं, अभी उदय होने वाले, तब देखना चारों तरफ में प्रकाश प्रकाश हो जाता है, प्रकाश, यहाँ पर सूर्य का किरण नहीं पड़ा, वो सूरज उदय होने का साथ साथ पूरा उठे नहीं, उठने वाले उसको पहले ही एकदम साफ हो जाता है। कहते उसी तरह भगवान की जो भक्ति में, कहते इतने प्रभाव भगवत भक्ति में, भगवत नाम में इतने प्रभाव है, केवल नाम की थोड़ी सी आभास को द्वारा ही जीव का हृदय संपूर्ण पवित्र हो जाता है। और नाम, कहते नाम तो साक्षात भगवान को देने वाले हैं, नाम को द्वारा तो साक्षात प्रेम और साक्षात भगवत प्राप्ति नाम को द्वारा होता है।
केवल नाम की आभास से ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए नाम की इतने महिमा। तो यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी ने वहां पर बताए गत सकृत मन कृष्ण पदार विंदयो निवेशितम तत् गुण राशि जही न तेजामम ना सब भूतश्च तत् भटान स्वप्न पिपसंत ही चिरन निष्कृत। गत सकृत मन कृष्ण पदार विंदयो गत अगर ये मन को सकृत मतलब एक बार अगर ये मन को एक बार कोई भगवत चरण में कोई लगा दे भगवत चरण में अगर लगा दे तो कद एक बार लगाने पर केवल मन को लगाए तो उसको द्वारा क्या होगा कद स्वप्न में भी उसको कभी जब दूतों को दर्शन नहीं करता है मतलब कभी उसको पास में जब दूत कभी नहीं आते उसको पास में। अगर एक बार प्रभु का नाम कोई कोई ग्रहण करे कभी मन को कोई प्रभु के चरण में लगाए कभी अगर केवल मन को लगाने पर ये होता है अगर कोई कान को द्वारा कृष्ण कथा सुने तो अगर कोई हाथ को द्वारा ठाकुर की सेवा करे तो अगर कोई जीवा को द्वारा कृष्ण कीर्तन करे तो फिर उसको क्या नहीं मिलेगा। इसलिए भगवत नाम में बड़ा शक्ति है प्रभु का नाम में। तो उसको यहाँ पर उदाहरण दिया कि देखो हम तुमको एक कथा सुना रहा हूँ भगवत नाम में कितना शक्ति है कहते सुनाओ क्या कथा सुनाओगे। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कहते कान कुब्जे दीजो कश्चित दासीपति रजा मिलो नामना नष्ट सदाचार दास्या संसर्ग दूषित। कहते कान कुब्ज देश में एक अजामिली नाम का एक व्यक्ति रहता था। कहते वो जो अजामिली एक समय ये ब्राह्मण कुल में इसका जन्म हुआ था और उसकी पत्नी ब्राह्मणी और नवजुवती और सुंदरी थी। कभी ये अजामिल को अंदर में जितने सारे सद्गुण हैं सारे सद्गुण संपन्न था। नम्रता धैर्यता दानी पुण्य करना सत्य बोलना दुखी दरिद्र को पर में कृपा करना यज्ञ करना सारे शास्त्र अध्ययन इस सब जितने एक व्यक्ति को अंदर में जितने सद्गुण होनी चाहिए उसके अंदर में ये सारे सद्गुण था। एक दिन उसने जंगल में रोज घर में हवन करता था तब जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया हवन के लिए लकड़ी लेने के लिए गया तो उसने देखा एक शूद्र एक शूद्राणी को साथ में शराब पी करके विवस्त्र होकर के विहार कर रहे। उसने ये दृश्य को दर्शन किया तो उसने मन को समझाया बहुत लेकिन तब भी वो उसको देखते रह गया जैसे उसको हृदय में ये फोटो खींच गया। जब फिर वो घर में आता है इतने सुंदरी पत्नी सद्गुण संपन्ना नव युवती लेकिन उसको छोड़ करके ये अजामिली ने उस शूद्राणी को साथ में रहने लगा और पिताजी का घर की जितने सारे संपत्ति थी धीरे धीरे लेकर के वो शूद्राणी को घर में दे दिया। इसलिए यहाँ पर शिक्षा दिया का देखो ये सत्संग का जितना महिमा है सत्संग का कितना महिमा सारे शास्त्र में सत्संग की इतने कल हम श्रवण कर रहे थे कितने सत्संग की महिमा है। ये सत्संग की जितना महिमा कभी असत्संग का महिमा कम नहीं कभी असत्संग का महिमा कम नहीं। एक बिल्डिंग बनाने में कितना दिन लगता है अगर आप उसको तोड़ना चाहोगे तो एक बिल्डिंग तोड़ना चाहोगे तो कभी ये बिल्डिंग बनाने में साल भर लग जाएगा लेकिन अगर उसको तोड़ना चाहोगे ना आप एक दिन में ही तोड़ दोगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधा गोविंद देव की एक दिन में इसको तोड़ सकते हो। देखो जैसे हम ये भक्ति जीवन को पालन करने के लिए कितना कष्ट कर रहे हैं जुआ नहीं खेलते हैं शराब नहीं पीते हैं असत स्त्री संग में नहीं जाते हैं मांस मछली नहीं खाते हैं ये कोशिश करते हैं जैसे ये चार नियम को हम पालन करें। जो लोग इधर रहते हैं आप लोगों को पता है कितने कष्ट करने पर ये विदेश में
ये चीज को हम पालन करते हैं, कितने कष्ट करना पड़ता है आप लोगों को पता है, कितने कष्ट करके नियम पालन करते हैं। अगर ये भक्ति जीवन को नष्ट करना हो, एक दिन में सारे मिट्टी मिटा कर सकते हैं, एक दिन में मिटा सकते हैं। जाओ जो इच्छा सिनेमा देखो, शराब पी लो, वेश्या के पास में जाओ, हाँ मांस खाओ, एक दिन में ही ये भक्ति जीवन को संपूर्ण मिटा सकते हो। ये असत संघ की प्रभाव, इतना असत संघ की प्रभाव है। इसलिए सत्संग के जितने महिमा, असत संघ का महिमा कम नहीं। इसलिए हाँ, इसलिए हमारे शास्त्र में साधु सावधान, इसलिए साधुओं को सावधान किया, सावधान में रहो। हाँ इसलिए ये भक्ति का जीवन, इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि असत संघ की बड़ी प्रभाव है। इसलिए शास्त्र ने बताया असत संग से हमें दूर रहनी चाहिए। कर असत संग कौन है? तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले दो दो असत संग है। कहते बोले असत संग त्याग ऐ वैष्णव आचार, ये वैष्णव का नियम है असत संग त्याग करे। वो क्या है? कहते दो, कहते स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्ता। कहते जो कृष्ण का अभक्त है, मतलब जो कृष्ण भजन नहीं करते हैं, कहते उनको साथ में उठना बैठना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जो भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उनको साथ में उठो बैठो, उनको ही दोस्त बना, क्योंकि उनको साथ में दोस्त भी करेंगे तो भगवत कथा सुनने को मिलेगा, भक्ति की बात सुनने को मिलेगी। लेकिन उल्टा सीधा लोग साथ मिलेगा, कहते क्या बेकार, कोई काम धाम नहीं, अरे शराब पियो मांस का, प्रभु ने ये जीवन क्यों दिया, प्रभु ने सब चीज किस लिए दिया, आनंद नहीं करोगे तो क्या करोगे जीवन में, कर्म किया, पियो खाओ मस्त रहो, क्यों ये जीवन को ऐसे बर्बाद करते हो? असत संग में बैठे तो यही बात करेंगे, लेकिन एक वैष्णव के साथ में बैठोगे वो अच्छी अच्छी कथा सुनाएगी, भगवान भक्ति का महिमा बताएंगे, नहीं गंदी काम नहीं करनी चाहिए, प्रभु का भजन करो, बड़ा आनंद है, बड़ा शांति है। इसलिए सत्संग में स्वर्गवास है और असत संग में सर्वनाश। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी ने बताया अत्याहार प्रयासाश्च प्रज्वल नियमाग्रह जन संगस्य लौलज्य सर्वभिर्भक्ति विनश्यति। कहते जो छह तरह का जो संग है ये भक्ति को विनाश करते हैं, ये असत संग सर्वनाश कर देते हैं। कहते एक तो असत संग हो गया जो भजन नहीं करते, दूसरे असत संग कौन है? कहते स्त्री संगी एक असाधु। स्त्री संगी असाधु मतलब कहते स्त्री संग बुरा नहीं है, लेकिन स्त्री संगी का जो संग है वो बुरा है, जो कि हमारा मन में गंदी गंदी भावना को प्रकट कर देता है, जो हृदय में उल्टा सीधा चीज को हमारा हृदय में जो प्रकट करा देता है, ये गंदी चीज है। इसलिए कहते स्त्रियां तो गोपियां तो स्त्रियां कितने बड़े भक्त थे, मीरा का स्त्री है, सवरी का स्त्री है, कितने बड़े बड़े भक्त है। इसलिए कहते हमारा हृदय में जो गंदी गंदी, हाँ जो बात को हृदय में जो, हाँ संसार की बात को हृदय में जो बो देता है वो असत है, जो कि हमारा हृदय में कहते अरे चलो घूमो फिरो खाओ, हाँ जिसको पास में इच्छा हो उसके साथ में घूमो, जिस लड़की के पास में उसको घूमो, उल्टा सीधा जो भर देते है वो असत है। इसलिए कहते वो दो चीज से दूर होनी चाहिए। इसलिए कहते अजामिल इतने सद्गुण रहते हुए भी, लेकिन एक दिन अगर ये असत संग में पड़ गया तो उसका संपूर्ण जीवन नष्ट हो गया। अभी अपना पत्नी को छोड़ करके अभी रह रहा है वो वेश्या के साथ में, और अभी उसको और कहते 10 संतान हुई, 10 संतान और उसको हाथ में वो थी सुद्राणी, ये था ब्राह्मण, लेकिन उस सुद्राणी को साथ में रख करके अभी उसका हाथ की भोजन करता है। वो क्या बनाती है? मांस मछली अंडा उल्टा सीधा चीज बनाती है। अभी अजामिल का सारे नष्ट हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। अभी उसको औरस से 10 संतान हुए, 10 संतान होने पर था तो हिंदू है, संस्कार तो था ये, इसलिए वो किसी तरह से सबसे जो छोटा बेटा का नाम रख दिया नारायण रख लिया। अभी छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है, सबसे प्यारा होने के नाते अभी वो बच्चा का मीठी मीठी बोली, हाँ उसका आधा आधा बच्चन,
इसको द्वारा उसको भरण पोषण करते 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 अभी उसको पूरा वृद्ध हो गया, अभी मरने वाला, अभी अंतिम सज्जा पर लेटा हुआ था, और इतने में उसका मृत्यु का समय आया। कहते मृत्यु का समय आने पर देखा जीव जो कर्म करते हैं, काय मन और वाक्य, ये तीनों को द्वारा कर्म करते हैं। देखा बड़ा भयंकर एकदम केस, एक लाल वर्ण के, किसका मुंह तो उल्टा, किसका छाती में मुंह, हाथ में काल पास ले हुए, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े आंख है, भयंकर रूप से तीन जम का दूत आए। इसलिए शास्त्र ने बताया एक व्यक्ति का मृत्यु को देख करके पता चलता है ये नरक गया ना, स्वर्ग नहीं तो वैकुंठ गया। अगर कोई व्यक्ति अंतिम समय पर टाटी पेशाब करते हुए अगर कोई मरे तब समझना चाहिए सीधा नरक गया है, क्योंकि जम दूतों का जो रूप है बड़ा भयंकर होता है, दूसरे व्यक्ति नहीं देख सकता है, जो मरता वो केवल देखता है। हाँ, अगर किसको आंख को द्वारा प्राण जाए, ब्रह्म तालु फट करके प्राण जाए, तो समझना ये इसका गति बड़े ऊर्ध्व गति है, उच्चा गति है। अभी उसने भयंकर रूप को देखा और वो तीनों ने आ करके उसको गला में काल फांस को लगाया, लगा करके उसका जो सूक्ष्म जो शरीर है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये जो शरीर को वहां से खींच रहे थे, उनका भयंकर रूप को देख कर घबरा गया। घबरा करके उसको बेटा दूर में खेल रहा था, इतने में अजामिल ने अपना बेटे को जोर से बुलाया, बोले नारायण आ जा बेटा। जब उन्होंने नारायण दूर से जब नारायण बोला, कहते नारायण ये चार अक्षर है, इतने में देखा चार भगवान का दूत झट वहां पर प्रकट हो गए। जब वहां पर झट प्रकट हो गए, कहते वो क्यों प्रकट हो गए, वो तो नारायण अपना बेटे को बुलाया, लेकिन वो जो नारायण बुला रहा था वो उच्चे स्वर से और दूर से बच्चे को बुलाया, इसलिए इन दूतों ने सोचा शायद कोई नारायण का भक्त ये नारायण का कीर्तन कर रहा है, नारायण का कोई कीर्तन कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है ये नारायण का जो भक्त है ये सर्वत्र रहते हैं, सब जगह के विद्यमान है, जहां कोई प्रभु का नाम ले वो झट वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अभी वे लोग प्रकट होकर के देखा ये तीन जब का दूत उसको पकड़ करके ले जाने के लिए तैयारी, और नारायण का भक्त प्रकट होकर के बोले रुक जाओ, ये नारायण ये वैष्णव है, ये विष्णु दूत बता रहे, कहते नारायण ये वैष्णव है, ये वैष्णव को लोग कहां ले जा रहे हो, तुम लोग है कौन, कहां से आए हो, क्या तुम्हारा परिचय है। ये जमदूतों ने देखा, अरे देखा ये सबके सब देखने में 16 साल के हैं, शंख चक्र गदा पद्म और इतने सुंदर लग रहे थे, सबके सब पीताम्बर पहने हुए, मुकुट पहने हुए और चार हाथ वाले, बड़ा सुंदर थे देखने में। तब जमदूतों ने कहा तुम लोग तो देखने में बड़े सुंदर लग रहे हो, लेकिन ये जम महाराज का आदेश को उल्लंघन क्यों कर रहे हो। तब विष्णु दूत ने कहा तुम लोग कौन हो, बोले हम लोग धर्म राजा के दूत हैं। इतने में विष्णु दूत ने कहा कि तुम लोग धर्म राजा का दूत भूत कुछ नहीं हो, तुम लोग कोई पिशाच भूत हो, हमारा हाथ में तुम पकड़ गए, अभी हम तुमको छोड़ने वाले नहीं, अभी तुमको पिटाई हम करेंगे। तो जमदूत घबरा गए, ये क्या बोल रहे हैं। इतने में विष्णु दूत ने कहा अगर तुम लोग बोलते हो तुम लोग धर्म राजा का दूत है, बताओ धर्म किसे बोलते हैं, अधर्म किसे बोलते हैं, इसी विषय तो जरूर जानकारी होगा, क्योंकि धर्म राजा का दूत है, बताओ धर्म का क्या परिचय है। इतने में जम दूत ने बताया कत वेद प्रणहित धर्मम अधर्म तद विपर्जय, इसका मतलब है वेद में जो वर्णना किया गया वो धर्म है और उसका जो विपरीत है वो सब के सब अधर्म है। कहते ये धर्म का ये अग्नि वायु सूर्य चंद्र ये सब के सब धर्म का साथी है। अगर कोई सोचे हम कोई गलत काम कर रहे हैं हमको तो कोई देखा ही नहीं, अगर कोई सोचे तब जमदूत ने कहा कहते नहीं, कहते दिन में अगर कोई गलत काम करे कहते सूर्य उसका साथी है,
ऐसे कोई स्थान नहीं जहां पर सूर्य का किरण पड़ा नहीं, इसलिए सूर्य को सब कुछ पता है। अगर कोई सोचेगा हम रात में कोई गलत काम कर रहे हैं, हमको किसको तो पता है नहीं हम ये गलत काम कर रहे हैं, नहीं उसको ये चंद्रमा रात इसका साखी है, इसलिए उनको सामने कोई हाँ गलत काम कर ही नहीं सकते। कोई सोचे 20 तला बिल्डिंग ऊपर में हम दरवाजा बंद कर कुछ कर रहे हैं, इसको तो कोई पता ही नहीं। इसलिए जमदूत ने कहा नहीं, ये दिन और रात ये सब कुछ देख रहे हैं, कोई गलत काम कोई कर ही नहीं सकते हैं, इस सब के सब साखी है। हाँ इसलिए बोले देखो कि जो अजामिल ने कहां ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था और अपना ब्राह्मण का धर्म छोड़ करके वैश्या को सुधरा को करने के लिए चोरी बदमाशी डाकू ऐसे कोई गंदा काम इसने किया नहीं किया, ऐसे कोई काम नहीं, इस सब के सब किया, इसलिए ये नरक जाने में तैयारी है, नरक जाने के लिए उपयुक्त है। इतने में विष्णुदूत ने कहा हे भगवान ये सब क्या बोल रहे हो। अगर कोई बेटा अपना मैया का गोद में कोई सो रहा है निश्चित रूप में अगर उसको विश्वासघाती किया जाए तो कितना गड़बड़ी है। इसलिए तुम लोग धर्म का विषय में तुम लोग कुछ पता नहीं, कहते ये अजामिल ने अंतिम समय पर जो नाम उच्चारण किया है, कहते एक जन्म का पाप नहीं को करोड़ों करोड़ों जन्म का सारे पाप नष्ट हो गया, केवल पाप नष्ट हो गया ये बात नहीं, भगवत धाम में जाने का ये उपयुक्त बन गया। तुमको पता है ये भगवत नाम की कितने महिमा है, कहते एक कृष्ण नाम जतो पाप हरे पापी साध्य नाही ततो पाप करे, ये चैतन्य चरितामृत में बताया एक कृष्ण नाम करने पर ये कृष्ण नाम जितने सारे पाप को नष्ट करता है, कहते पाप का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सके, भगवत नाम में इतने शक्ति है। कहते जिस समय उसने अपना बेटा का नाम नारायण रख लिया, देखो भगवत नाम बच्चों का रखने का कितना महत्व, यहाँ पर ये विष्णुदूत बता रहे हैं कि जब उसने अपना बेटा का नाम नारायण रख लिया कि उसी समय इसका सारे पाप नष्ट हो गया था, उसी समय नष्ट हो गया था, और उसको बाद में हर काम में उसने नारायण को बोला, बोला नारायण बेटा इधर आ जा बेटा, नारायण मेरे लिए पानी ले आया, नारायण इधर आ बेटा, अगर मैया की गोद में है कहते नारायण मेरे गोद में आ जा। उन्होंने ये नाम किया है इस सब का सब साधन है, इसका साधन हो गया, और ये जो अंतिम समय जो प्रभु का नाम लिया है कहते सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ इसलिए जो अंतिम समय प्रभु का नाम लिया कहते इसको द्वारा उसको सारे पाप नष्ट हो गया, वो अभी नर्क जाने का हाँ लायक नहीं, अभी तो भगवत धाम जाने का इस लायक बन गया, इसलिए खबरदार तुम लोग इसको ले नहीं सकते हो। हाँ अभी तुम इसको ले नहीं सकते, तो उन्होंने एक नाम की एक महिमा हम लोग को श्लोक बताए, बहुत बढ़िया श्लोक है, कहते सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन नामेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम असे सागरम विदु, कहते संकेत पूर्वक अगर कोई प्रभु का नाम करे हाँ उसको सारे अगहरम विदु सारे पाप उसका नष्ट हो जाता है। संकेत मतलब कहते इशारा, इशारा करके, तो उसको उदाहरण दिया कहते जंगल में पांच चोर रहते थे, कहते ये पांच चोर ये भगवान नाम का इशारा करके चोरी करते थे। कहते कैसे, कहते जंगल में अगर कोई व्यक्ति आ जाए ना वो लोग बोलते थे नारायण नारायण नारायण, इसका मतलब होता है नारायण तो भगवान का नाम, उसका दूसरा अर्थ होता है नर अयन, मतलब एक व्यक्ति आ रहा है सावधान हो जाओ चोरी करने के लिए, उसका दूसरा अर्थ होता है नर अयन, नर आ रहा है। दूसरा बोलता था गोपाल गोपाल गोपाल, कृष्ण का बचपन का नाम गोपाल, वो बोलते थे गोपाल मतलब ग्वाला, ग्वाला मतलब होता है जो बड़े मूर्ख है, कहते जो गैया को जो चरा दे कहते गैया जैसे बुद्धि हो जाता है। हाँ इसलिए इसलिए नंदा बाबा बोलते हैं कहते ग्वाला का 80 साल में अकल का दांत निकलता है, मतलब ग्वाला को बड़े मूर्ख होते हैं।
इसलिए गोपियां भी कभी कभी कृष्ण को बोलते थे, बोले कृष्णा ये पासा खेल रहे हो, ये दिमाग की काम है, तू तो गैया को पीछे पीछे चलते चलते तेरा बुद्धि गैया जैसे हो गया, मतलब मूर्ख तू हो गया। इसलिए कभी कभी हाँ ये राधा रानी गोपियां कृष्ण को इसे खिली उड़ाते थे, इसलिए वो बोलते थे गोपाल मतलब ये बड़ा मूर्ख है, चोरी करने में अच्छा रहेगा। तीसरा बोलता था दामोदर, दामोदर, दाम मतलब होता है पैसा, उधर मतलब कमर, कहते इसका कमर में पैसा है, दाम उधर, दाम मतलब पैसा, उधर मतलब इसके कमर में पैसा है। लेकिन भगवान का बचपन का नाम था दाम, चौथा बोलता था वासुदेव, वासुदेव, वासुदेव का नंदन ना वासुदेव, और यहाँ वासुदेव मतलब बांस लाओ और पिटाई करो इसको, वासुदेव मतलब हाँ बंबू मतलब बांस लाओ इसको पिटाई करो। और पंचमा बोलता था हरी हरी हरी, भगवान का नाम हरी, सारे पाप धारण करते हैं, वो बोलते हरी मतलब सारे हड़प लो, जितना सारे माल इसके पास में सबके सब हड़प लो। कहते पांच चोर ऐसे भगवत नाम की इशारा करके चोरी करते थे, लेकिन जब ये प्रभु का नाम की इशारा करके जब चोरी करते थे, ठीक उसी समय एक वज्रपात हुआ, वज्र गिरा, वज्र गिरते ही वो जो पांच चोर थे वहां सबके सब वहीं पर समाप्त हो। लेकिन मरते समय वो भगवत नाम की संकेत पूर्वक ले रहे थे, प्रभु का नाम को संकेत पूर्वक ले रहे थे, इशारा करके ले रहे थे, ये पांच को पांच भगवत धाम में चले, उनका नरक गति नहीं हुआ, क्योंकि अंतिम समय पर वे प्रभु की नाम उच्चारण कर रहे थे, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन। दूसरे अर्थ बताए, अगर कोई हंसी दिलर करते हुए प्रभु का नाम को ले ले, अरे प्रभु का नाम लेने से क्या होता है, नहीं तो बोले प्रभु ने मेरे को कहां रखा, क्या प्रभु का इतना नाम लिया। अगर ये परिहास करके अगर कोई प्रभु का नाम ले ले तो उसका भी कल्याण हो जाते हैं, तो उसका उधर हाँ दामोदर, दामोदर इसका माल है, हड़पने में अच्छा रहेगा। उदाहरण दिया, एक समय एक घर में दो भाई रहते थे, कहते सांकेत्यम कहते पारिहास्यम, एक भाई तो भजन करता था, दूसरा भजन नहीं करता था, जो भजन करता था उसको पता है भजन में कितना रस है, वो चाहता था भाई मेरे दूसरे भाई भी भजन करे, हम दोनों एक साथ खूब कीर्तन करेंगे, प्रभु का भजन करेंगे एक साथ में, लेकिन वो नहीं करता था। तो एक दिन उसने अपना गुरुजी को बुलाया, गुरुजी को बुला कर बोले गुरुदेव आप मेरे भैया को ऐसे थोड़ी सी कथा सुनाना जैसे मेरे दूसरे भाई भी भजन करना शुरू कर दे, हम दोनों भाई भजन करते हुए रहेंगे। कहते ठीक है। जब उसके घर में गुरुजी आए, वो जो दूसरा भाई भजन नहीं करता था, कहते मैं सत्संग में बैठूंगा तब तो तेरा गुरुजी मुझे समझाएंगे, मुझे सत्संग में बैठना नहीं। उसने किया क्या, गुरुजी को देख करके ना एक घर के अंदर गया और अंदर से कुंडी को बंद कर दिया, वो सत्संग में बैठा नहीं, कीर्तन में बैठा ही नहीं। गुरु जी आए, कीर्तन किया, हरी कथा बोले, बोले तो ये आया ही नहीं, लेकिन देखा कम से कम इसका कुछ कल्याण करके जाओ। जब गुरुदेव जा रहे थे तो दरवाजा खटखटाया, बोले बेटा दरवाजा खोलो, बोले मैं दरवाजा नहीं खोलता, बोले बेटा एक बार तो खोल दे। बहुत कठिन से दरवाजा खुलवाए और गुरुदेव पकड़ लिए, कहते बेटा कम से कम एक बार तो कृष्ण बोल दे। इतने में उसने बोल दिया मैं कृष्णा नहीं बोलता हूँ, तब उन्होंने कृष्णा नहीं बोलता हूँ कृष्ण बोल दिया ना, तब गुरुदेव ने कहा बेटा तुमने एक बार कृष्ण बोल दिया तेरा कल्याण हो गया, लेकिन एक काम करना कि जो कृष्ण तुमने बोला है ये नाम को तुम बेचना नहीं, हाँ यही नाम से तुम्हारी उद्धार हो जाएगा। क्या ठीक है गुरुदेव, मैं ये नाम को नहीं बेचूंगा। अभी उसका अंतिम समय आया, अंतिम समय आने पर जमदूत आए और उसको पकड़ करके जमपुरी ले गए। जब महाराज चित्रगुप्त को बोला इसको कापी खोलो, कितने पाप और किसने पुण्य किया, चित्रगुप्त कापी खोल कर बोला महाराज ये तो जीवन ने कोई पुण्य ही नहीं किया, ये तो बड़ा नास्तिक था, कर देखो तो थोड़ा बहुत तो कुछ होगा, ढूंढते ढूंढते देखा कहते हाँ इसको एक पुण्य है। इनको घर में एक संत, इनको गुरुदेव आए थे
और उन्होंने एक शुद्ध वैष्णव का मुंह से एक बार कृष्ण नाम सुना और एक बार कृष्ण बोला और वो साधु ने कहा था तुमने ये नाम को अगर नहीं बेचोगे तो यही कृष्ण नाम से तेरा उद्धार होगा। इतना किया है गुरुदेव। एक संत ने कहा इतने में तब जब महाराज उसको पूछा भैया ये बताओ तुम्हारा जिंदगी भर बहुत पाप किया कि पुण्य एक बार कृष्ण नाम सुना अभी बताओ तुम पहले पाप लोगे ना पुण्य लोगे। उसको याद आया ये गुरुदेव बताए थे ये नाम को अगर नहीं बचोगे तो ये नाम को द्वारा तुम्हारी बेड़ा पार होगा उद्धार हो जाएगा। बोले पहले मेरा एक नाम का फल पहले दे दो उसको बाद में फिर नरक जाऊंगा। तब जब महाराज शास्त्र ढूंढे एक शुद्ध वैष्णव का मुंह से जो कृष्ण नाम सुने और वो एक कृष्ण नाम का क्या फल तो उन्होंने पुराण ढूंढते ढूंढते उनको उनके श्लोक मिला। वो श्लोक में लिखा हुआ था नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिर्नत्व नाम नामिनो। पुराण में श्लोक मिला। इस श्लोक का मतलब है जो प्रभु का जो नाम है साक्षात चिंतामणि है ये रस स्वरूप है आनंद स्वरूप है। हाँ इसलिए कहते मधुरम मधुरम मेतत मंगलम मंगला नाम ये मधुर से भी परम मधुर मंगल से भी परम मंगल है। सकृत भी परिकृत श्रद्धा है अगर एक बार श्रद्धा नहीं तो अवहेला पूर्वक अगर एक बार ये नाम उच्चारण हो जाए नर मात्र तारयत कृष्ण नाम ये नर मात्र को ही कृष्ण नाम पार कर देता है। और एक शुद्ध साधु का मुंह से सुने पर तो उसका विशेष फल है। उन्होंने सारे शास्त्र को ढूंढते ढांढते एक कृष्ण नाम का क्या फल है उसको उन्होंने कोई विचार नहीं दे पाए। हम क्या करें चलो ब्रह्मा जी को पास में चलते हैं उनको पूछेंगे एक कृष्ण नाम का क्या फल है जो शुद्ध वैष्णव का मुंह से सुने। तब ब्रह्मा जी को पास में गए इनको बोले चलो ब्रह्मा जी को पास में बोले मैं चल करके नहीं चलता हूँ अगर ले जाना तो मेरे कंधे पर ले जाओ। अभी जब चित्रगुप्त ने क्या किया इसको एक पालकी में बैठा करके कंधे पर उसको ब्रह्मलोक में ले चले। ब्रह्मा दूर से देखा जम महाराज और चित्रगुप्त किसको पालकी में बैठा कर ला रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा कोई विशेष धियाई भी होगा हाँ कोई विशेष व्यक्ति नहीं तो जिसको कंधे में ला रहे हैं। ब्रह्मा जी वहां पर माला लेकर के चंदन आरती लेकर खड़े रहे ये आएंगे तो उनका आरती उतारेंगे। जब उनको वहां पर लेकर गए ना ब्रह्मा जी ने पूछा ये महात्मा जी कौन है। उन्होंने प्रणाम किया ये महात्मा जी कौन है जिसको आप स्वयं कंधे पर लाए हो। जब महाराज बोले ये महात्मा नहीं पापात्मा है कहते पापात्मा है कहते हाँ कहते आप इसको कंधे पर क्यों लाए हो कहते हमको बीच में फंसा दिया है। कहते कैसे फंसाया कहते कोई इनको घर में साधु आया साधु का मुंह से एक कृष्ण नाम सुना और साधु ने ये बताया था एक कृष्ण नाम तेरे को उद्धार करेगा बेचना नहीं और ये बोलता है एक कृष्ण नाम का फल हमें दो। अभी तो हमें सारे शास्त्र ढूंढते ढूंढते हमको तो कुछ फल कोई ठीक नहीं कर पाए। हर शास्त्र में एक ही बात को हम देखा कहते हरि से बड़ा हरि का नाम है प्रभु से बढ़कर के प्रभु का नाम हमें तो कोई समाधान हम नहीं दे पाए इसलिए आपको पास में आए आप कृपा करके बताओ। इतने में ब्रह्मा जी शास्त्र को ब्रह्मा जी शास्त्र में क्या लिखा हुआ कृष्ण नाम के बारे में तो उन्होंने ढूंढते ढूंढते उनको एक श्लोक मिला है। कभी श्लोक को सुनो क्या मिला है कहते नाम नहीं जावती शक्ति पाप निर्माहणे हरे ताबत कर्तु न सकनोति पातकम पातकीम नरम। कहते स्मृति में ये श्लोक लिखा हुआ कहते इसका मतलब है नाम नहीं जावती शक्ति पाप निर्माहणे हरे कहते नाम में इतने शक्ति है पाप को नष्ट करने के लिए एक कृष्ण नाम में इतने शक्ति है पाप को नष्ट करने के लिए तब यहाँ पर कहते हैं ताबत कर्तु न सकनोति पातकम पातकम हरे कहते पातकी का करता है। इस श्लोक को पढ़ करके वो भी वेद पापी का इतना हिम्मत नहीं उतना पाप कर सके एक कृष्ण नाम इतने पाप
सारे ढूंढे, उनको भी यही सब बात मिला। ब्रह्मा भी सही से उत्तर नहीं दे पाए, कल भैया मैं नहीं दे पाऊंगा उत्तर, मतलब क्या करे। चलो शंकर मेरे से बड़े शंकर है, शंकर जी वैष्णव नाम यथा संभो उनको पास में चलो। तो उनको शंकर जी को पास में ले चले, बोले इसको बोले चलो, बोले मैं चल कर नहीं चलता, कंधे पर ले चलो। कहते स्वयं ब्रह्मा जी कंधे पर धर करके जम और चित्रगुप्त जो कैलाश में ले चले, शंकर दूर से देखा, बोले भगवान ब्रह्मा जी को कंधे पर ला रही, कुछ साधारण व्यक्ति होगा ही नहीं। वो पहले आरती की थाला और पुष्प चंदन लेकर खड़े रहे स्वागत करने के लिए शंकर पार्वती। जब इनको लेकर गए, शंकर जी दूर से प्रणाम किया, बोले महात्मा कौन जिसको ब्रह्मा स्वयं चित्रगुप्त जब महाराज कंधे पर ला रहे, ये महात्मा कौन है। ब्रह्मा जब महाराज बोले ये महात्मा नहीं पापात्मा, बोले पापात्मा आप लोग क्यों कंधे पर ला रहे हो, कहते हमको फंसा दिया बीच में। कहते क्या फंसा दिया, उनको भी यही बात बोले। इतने में शंकर जी सारे शास्त्र को ढूंढे, शुद्ध वैष्णव का मुंह से जो कृष्ण नाम सुने इसमें क्या फल है। देखो शंकर जी को क्या मिला, शंकर जी को मिला एक श्लोक स्मृति में, कहते सकृत उच्चारित जेन हरि इति अक्षर द्वयम् बद्ध परिकरस्तेन मोक्षायम गमनम प्रति। कहते स्मृति में ये श्लोक मिला, कहते सकृत उच्चारित जेन हरि इति अक्षर द्वयम्, कहते हरि ये जो दो अक्षर है, कहते सकृत, सकृत मतलब एक बार अगर किसी ने हरि ये नाम को अगर किसी ने उच्चारण किया तो कहते बद्ध परिकरस्ते न मुखाय सकृतम प्रति उसको भगवत चरण की प्राप्ति हो जाएगी। हरि ये दो नाम अगर किसी ने उच्चारण कर दिया तो शंकर जी इसको पाकर के सारे शास्त्रों उनको एक ही बात मिला। शंकर भी सही सही उत्तर नहीं दे पाए, बोले क्या किया जाए। बोले चलो जिनका नाम है उनको पास में चलते और उनको बोले चल करके चलो, बोले चल करके नहीं चलता हूँ कंधे पर ले चलो। शंकर भी कंधे पर घर, शंकर ब्रह्मा चित्रगुप्त सब के सब लेकर के गए भगवान को पास में। तब भगवान को पास में गए, भगवान दूर से देखा महात्मा को ला रहे हैं, शंकर जी स्वयं कंधे पर, ब्रह्मा जी ये तो साधारण व्यक्ति नहीं होगा। जब वहां पर पहुंचे इतने में भगवान ने कहा कौन सा महात्मा को लेकर के आप लोग आए हो, ये महात्मा कौन है। तब ब्रह्मा शंकर इन लोगों ने बोले प्रभु ये महात्मा नहीं, ये कोई पापात्मा है, बोले आप लोग इसको स्वयं कंधे पर क्यों लाए। कहते प्रभु उसने हमें बीच में फंसा दिया है। कहते क्या फंसाया, कहते प्रभु किसी आपका शुद्ध वैष्णव का मुंह से उसने एक कृष्ण नाम सुना है और ये शुद्ध भक्त ने स्वयं बोले, कहते एक कृष्ण नाम को भवसागर से पार करेगा, इसको बेचना नहीं। ये बोलता है मैं जो शुद्ध वैष्णव का मुंह से कृष्ण नाम सुना हूँ उसका पहले फल हमें दो। प्रभु हमने सारे शास्त्र को हमने ढूंढा, सारे शास्त्र को ढूंढा तो उन्होंने यही बताया शुद्ध वैष्णव का मुंह से जब कथा एक कृष्ण नाम सुनते हैं उसको तरह दीक्षा हो जाती है, उसको तरह दीक्षा मंत्र हो गया। शुद्ध वैष्णव बोला ना कृष्ण नाम सुना मतलब दीक्षा हो गया। और उसने बोला भी कृष्ण, वो बोलने के बाद ये भी एक बार कृष्ण बोला। अब एक वैष्णव ने कहा उसको क्या होगा, इसका उद्धार होगा। अभी भगवान भी स्वयं अगर वैष्णव कोई बोल दे, अगर सचमुच से कोई वैष्णव हो, अगर वो कोई उसका मुंह से कोई वाणी निकल गया, कहते भगवान भी अपना प्रतिज्ञा को तोड़ करके वो भक्त का प्रतिज्ञा को भगवान भी रक्षा करते हैं। इसलिए भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था, मैं कृष्ण का प्रतिज्ञा था मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा महाभारत युद्ध में, लेकिन भीष्म का प्रतिज्ञा था आपको अस्त्र धारण कराऊंगा, लेकिन भगवान अपना प्रतिज्ञा को तोड़ करके अपना भक्त का प्रतिज्ञा को प्रभु ने क्या करते। इसलिए प्रभु हम तो बीच में फंस गए, आप बताइए आपका एक बार कोई नाम ले वैष्णव का मुंह से सुनकर क्या फल है। गोद में बैठा दिया, क्या देखो जब एक शुद्ध वैष्णव का मुंह से मेरे नाम को सुन बिहारी
जय जय श्री राम निताय गौर ब्रह्मानंदे। इसलिए बोले सांकेत्यम परिहास्यम, परिहास पूर्वक भी एक बार ब्रह्म का नाम ले ले उसको कल्याण। स्तोभम, स्तोभम मतलब होता है प्रजावरनागरम गोकुलराजन कान, मतलब स्तोभ मतलब इसे कृष्ण कान, कान मतलब कृष्ण, लेकिन हम कान जिसे लंबा करके बोलते हैं ना, जैसे कृष्ण कृष्ण नहीं बोल रहे कृष्ण, अगर ऐसे भी कोई अगर प्रभु का कीर्तन कर रहा है जैसे हम जसो मति नंदन नाम बोले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। हाँ, इसलिए स्तोभ हम हेलन अवैवा, जैसे हम बोलते हैं कृष्णा हेला में अनायस में गिरिराज गोवर्धन धारण किया उसको द्वारा भी कल्याण हो जाता है। इसलिए प्रभु का नाम अगर किसी तरह उसने बेटा का नाम रखा, कितना बार बेटा का उसने नाम लिया है तो उसको उधार नहीं हुआ। जब दूतों को विष्णु दूतों ने मार मार कर भगा दिया वहां से, और जो जैसे मुंह से निकल गया तो उसको भवभक्त होने से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जब दूत थे वहां से डर के मारे भाग गए, जाकर के जब महाराज को दंड देने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जगत में दंड देने वाले, कहते क्यों बात किया, पता नहीं। एक अजामिल नाम एक महापापी था, अपना पत्नी को छोड़ा, धर्म छोड़ा, पेशिया को साथ में रहा, जितने चोरी बदमाश गुंडा जितने कुकर्म था, ऐसे भी कुकर्म नहीं जिसने किया नहीं, ऐसे कुखाद्य जो था नहीं खाया नहीं, अमृत भोजन किया, और उसको हम लेने के लिए गए थे तो पता नहीं कहां से जो चार चार हाथ वाला कहां से आ गए। इतने में जम महाराज ने कहा ये बताओ वो कुछ बोला था, हाँ वो बोला था कि नारायण अपना बेटे को नारायण बोल करके उसे बुलाया था। जब महाराज तो नारायण नाम सुनते ही वही बेहोश हो गए, तो जो होश आया बड़े बड़े दिनों में मेरे प्रभु का नाम सुनने को मिला, नारायण नाम लिया था, कहते हाँ नारायण नाम लिया था, बोले ये तो मेरे प्रभु का नाम, बोले क्या हमका प्रभु का नाम, हमको तो पता थे यही था, आप ही जगत में हरता करता विधाता, आप ही सब कुछ हो, आप ही दंड देने का मालिक, आपका भी कोई प्रभु है। कहते तुमको सच सच बात बता रहा हूँ सुनो, कि जगत का मालिक मैं नहीं, मैं तो एक नौकर हूँ, हमारा प्रभु तो साक्षात नारायण है, उन्होंने हमको यहाँ पर नियुक्त किया है। हाँ? और वो तो अंतिम समय पर भगवत नाम उच्चारण किया, इसलिए बच्चों जो भगवान की भजन करते हैं उनको पास में मत जाया करो। इतने में जमदूत ने कहा प्रभु ये बताओ आपने बताया जो भजन करते हैं मत जाओ, किसका शरीर में तो लिखा नहीं होता है ये भजन करता है कि नहीं करता है, इसलिए ऊपर का कुछ लक्षण हमें बता दो, जिस लक्षण को देख कर हमें पता चल जाए फिर हम उनको दूर से प्रणाम कर लेंगे भक्त मान कर। तो उन्होंने बोले देखो ललाटे तिलकम नास्ति कंठ नास्ति त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस, जिसको ललाट में तिलक नहीं है, जिसको गला में तुलसी की कंठी नहीं, जो प्रभु का नाम को नहीं जप करते हैं, कहते उन लोगों को पकड़ पकड़ करके मेरे पास ले आना। इसलिए जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धयम, जिसको जिह्वा में जो प्रभु का गुणगान नहीं करते हैं, चेतश्चन स्मरति यत चरणारविन्द, हृदय में जो लोग प्रभु के चरण को ध्यान नहीं करते हैं, कृष्णाय नमति यत शिर कदापि, जो प्रभु के चरण में एक बार भी अपना सिर को प्रभु के चरण में नतमस्तक नहीं किया, प्रभु को प्रणाम नहीं किया, तान आने धम, कहते उन बदमाशियों को पकड़ पकड़ करके मेरे पास में ले आना। ये तो प्रभु का नाम लिया, प्रभु का भजन किया है,
इसलिए बोले देखो धर्म तत्व को हम द्वादश व्यक्ति बार व्यक्ति जानते हैं। बोले कौन कौन? बोले स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बरली व्यास की वयम कद हम द्वादश व्यक्ति ही ये धर्म की तत्व को हम जानते हैं। इसलिए धर्म तत्व बड़े धर्म से तत्व निहितम गुआयाम धर्म का जो तत्व अत्यंत अत्यंत गोपनीय तत्व है फिर तो उनका मन की सारी शंका दूर हो गया। देखो भगवत नाम की ये षष्ठ जो स्कंद है ये नाम महिमा है। यहाँ पर दिखाया अपना बेटा का नाम अगर प्रभु का रख दिया तो अगर अपना बेटे को भी प्रभु का नाम से अगर पुकारोगे उसको द्वारा भी हमारे कल्याण हो जाता है। इसलिए पहले हमारे भारतीय संस्कृति यही था सारे बच्चों का नाम भगवान का नाम पर धरा देते गोविंद गोपाल दामोदर सब का सब। पहले आप देखिएगा जितने सारे पूर्व पूर्व जितने हमारे सबके नाम देखोगे सब भगवत नाम पर। इसलिए और कलयुग में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आए चैतन्य महाप्रभु आकर के उन्होंने हरिनाम देकर गए और यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं कहते नाम का तो विशेष महिमा था ही लेकिन ये कलयुग में और ज्यादा महिमा हो गई। हाँ कारण क्या? कहते कारण है स्वयं राधा और कृष्ण ये एक स्वरूप में ये चैतन्य महाप्रभु ये दोनों कहते ये नाम में तो शक्ति था ही लेकिन जब ये नाम को स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपना मुंह से उच्चारण किया तो उसमें विशेष विशेष शक्ति आ गई। विशेष विशेष शक्ति आ गई। इसलिए ये कलयुग में अगर थोड़ी सी ये नाम भी कोई सहारा ले ले ये चार नियम को पालन करते हुए थोड़ी सी प्रभु का नाम की सहारा ले तो उसको भवबंधन से मुक्त ये नाम उसको प्रेम प्रदान कर देता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बोले प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र चैतन्य महाप्रभु बोले मैंने कहा ये महामंत्र यहा जप गिया सबे करिया निर्बंध ये नाम को जाकर के नियमित पूर्वक संख्या रख करके इतना नाम हमें करना है भले ही चार माला करो लेकिन चार माला नियम पूर्वक करो। ऐसे नहीं आज किया दूसरे दिन माला लटक रह गया माला से कोई मतलब नहीं वो नाम उसी दिन भूखे रह गया उसी दिन हम उनको भगवान भूखे रख दिया। ठाकुर तो 1,00,000 नाम करके कुछ लेते थे आपका गुरुदेव 1,00,000 नाम करके कुछ लेते हैं तो हम क्या चार माला माला नहीं कर सकते नहीं तो कम से कम 16 माला तो करनी चाहिए अगर नहीं तो साधारण रूप में तो कुछ करो। इसलिए स्वामी महाराज बोलते थे स्वामी महाराज हम लोग बहुत बहाना बनाते हैं हमारे पास समय नहीं समय नहीं वो बोलते थे बोले भगवान हमें कितना समय दिया 24 घंटा दिया 24 घंटा में आपको सोने के लिए कितना घंटा चाहिए 6 घंटा नहीं तो 7 घंटा घुमाओ नहीं तो 8 घंटा सो 8 घंटा काफी है कि नहीं कहते काम करने के लिए तुमको कितना घंटा चाहिए काम करने के लिए 8 घंटा नहीं तो 10 घंटा करो नहीं तो 12 घंटा करो ये सबसे है कि नहीं तुम्हारे लिए उसको बाद में कितना घंटा बचता है देखो तब भी 8-6 घंटा बचता है उनके पास हाँ इसलिए इतना करके भी बचता है फिर भजन करो अगर इतना नहीं होता तो 1 घंटा तो भजन करो 1 घंटा तो बैठ कर नाम करो प्रभु के सामने बैठ कर हरि नाम करो। इसलिए स्वामी महाराज ये बात को बताया करते थे। इसलिए हरिदास ठाकुर को महाप्रभु जब प्रसाद लेकर के आए हरिदास से प्रसाद लो तब हरिदास बोलते हैं कि प्रभु आज मैंने अपना संख्या वाला को पूरी नहीं कर पाया इसलिए कैसे मैं महाप्रसाद ले सकता हूँ। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरिदास तू जिंदगी भर तुमने नाम किए हो जिंदगी भर तुमने नाम किया अभी तुम वृद्ध हो गए हो अभी थोड़ा कम नाम करो इतना करने का जरूरत नहीं। देखो हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं कहते प्रभु शरीर मोर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान कहते मेरे शरीर चंगा है शरीर तो मेरा असुस्त लेकिन असुस्त बुद्धिमान ये जो मन है ना बड़ा दुष्ट है ये मन जितना बदमाशी है हम 3-3 घंटा पिक्चर देख लेंगे बैठे बैठे करके लेकिन बोले थोड़ी सी हरि नाम करो हम 1,000 बहाना बना देंगे। इसलिए हरिदास बोलता है पर शरीर मेरा सुस्त है शरीर तो मेरा सुस्त है लेकिन असुस्त बुद्धिमान
ये मन बड़ा दुष्ट है, ये मन उल्टा सीधा शिक्षा देता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे सवेरे उठ करके अपना जूती लेकर के अपना मन को सवार पिटाई करो, मारो अपना मन को समझाओ, आज दिन भर भजन करना, भक्ति करना, इधर उधर काम नहीं लगाना। हाँ, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, इसलिए हम लोगों को ऐसे भजन करनी चाहिए। बोलो निताई गौर प्रेमानंद। कल शायद प्रोग्राम रामानंद घर में ना, कल तुम्हारे घर में प्रोग्राम, उनको सब बोल दो आ जाए। Morgen programma in Den Haag, Fahrenheitstraat. Tomaar hier wordt dat, maar adres bij de stad. Fahrenheitstraat 455. Iedereen weet het wel, toch? Ja. Ja. Prabhuji, aarti karo. Prabhuji, Hindu Bhushan, Prabhuji. वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय। ओ आप वो भजन बोल रहे थे, तुम भजन नहीं बोल रहे थे ना, श्री राधे बरसाने वाली, इसको डालो। श्री राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरिधारी, श्री राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरिधारी, श्री राधे, श्री राधे बरसाने श्री राधे बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी, श्री राधे बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी, नामत चरण का I'm gonna make it through the night.
I'm